से बात करें कि हमारी पार्टी की टीम यहाँ पहुंची नहीं है, फिर हम यहाँ मौजूद हैं। और जो इस फिल्म के सबसे बड़े कलाकार हैं वो है इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता हमारे बड़े भ्राता भरत जी। और मैं चाहूंगा कि भरत जी खुद बच्चों से अच्छी बातें कहें, आपसे अच्छी बातें कहें और आप हमारी फिल्म का आशीर्वाद दें। आज बाल दिवस है तो अच्छा लग रहा है कि हम भी जब बाल दिवस मना रहे थे, हमारे छोटे छोटे जब हम एज में थे तो हमें भी कोई भाषण दे रहे थे पर हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो आज मुझे आज माइक पकड़ के मुझे खुद को लग रहा है कि मैं आज ये बच्चे लोग के लिए आज कुछ बोल रहा हूँ। मैं करके माइक की समझ में नहीं आ रहा था आप लोग प्लीज हमारी फिल्म को आशीर्वाद दीजिए और भगवान करे कि ये बच्चे बहुत बड़े हों, बहुत भले भोले और सबकी दुआएं मिले और आप लोगों की दुआएं हमको मिले। दो शब्द बाकी को कलाकार भी बोलना चाहिए। थैंक यू, माय नेम इज गौरव पासवाला। तो सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को? एक्चुअली मैं बच्चों से पूछ रहा था लेकिन थैंक यू। तो मैंने बहुत काफ़ी इवेंट अभी मिस किया लेकिन जो एंड का पार्ट मैंने कैच किया तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जब मैं इस उम्र का था तो आई वॉज वेरी शाय एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बाकी लोग भी बहुत शाय होंगे और जस्ट से यस बट जैसे मैंने बोला मुझे बोल ही नहीं आ रहा मुझे जैसे जैसे हमारे निर्देशक भरत सर हैं उनको भी कुछ अभी दिमाग में आ नहीं रहा है बट The basic thing I'm trying to say is that तो लगता है कि बच्चों को खूब खेलना चाहिए, खूब कूदना चाहिए, खूब मस्ती करनी चाहिए और खूब चॉकलेट खानी चाहिए। तो बात ये कि आप लोग जो भी करें ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच किड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन।
तो यही कहना चाहता कि आप लोग बहुत स्पेशल हो, आप लोग हमारी तरह ही गाते हो, डांस करते हो, इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, तो यही करते रहिए। और थैंक यू बोलना चाहूँगा ये इंस्टीट्यूशन को जो इतना एनकरेज करते हैं आप लोग। पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप अपने स्पेशल चाइल्ड को इतना एनकरेज करते हैं कि जाइए, नाचिए, गाइए, एंजॉय कीजिए। तो ऐसे ही एनकरेज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। Thank you.
God's blessings to all of you and my best wishes. Thank you so much. Thank you. एक्चुअली बच्चे तो मुझे लगता है हमारी
खुशी को कितने गुना बढ़ा देते हैं. वो ऑलरेडी एक गॉड, उनको एक एंजल की तरह मैं देखती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं दे आर क्रिएटिंग सो मच हैप्पीनेस. इसीलिए हैप्पी चिल्ड्रंस डे. और जैसे ये सब जिस तरीके से इनका ट्रीट करते हैं इट्स वेरी वेरी एडमायरेबल कि हर एक इमोशन को, हर एक बच्चे को एक इमोशन के साथ इनको ट्रीट करते हैं. और रिजल्ट भी देखो कितना ब्यूटीफुल है. वो इतने चीयरफुल हैं, इतने खुश हैं, हर एक में कितना टैलेंट है. तो बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलके और इनसे बात करके. और इनमें बहुत प्यार है. आप सभी लोगों को कितने प्यार से मिलते हैं ये बच्चे. तो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. हर मोमेंट सेलिब्रेशन है. तो इसलिए ये सेलिब्रिटीज हैं. हाँ यस प्यार से जादू उसे जी उसी से ये बिल्कुल बहुत एक जादू का परिवर्तन लगता है. इसीलिए उसको ऐसा शब्द दिया था बार्बी. थैंक यू. तो बिल्कुल वो चीज़ बहुत असर करती है. इनको हम जैसे ट्रीट करते हैं और वैसा ही रिस्पॉन्स भी इनसे मिलता है. तो वो फिल्म में जो भी बात थी वो रियलिटी में हम मैं देख रही हूँ आज जो कहानी लिखी थी. इसी बच्चों को देख के अपने बचपन के दिन आज ताज़ा हुए हैं जो आप हमसे शेयर करना. डेफिनेटली मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आते हैं हमेशा. जब भी बच्चों को देखते हैं कि हम भी ऐसे शरारत करते थे. बट दे आर रियली रियली वेरी टैलेंटेड एंड आई एम श्योर दे विल डू वेरी वेल इन फ्यूचर. सो ऑल माई बेस्ट विशेज टू द क्लिनिक एंड ऑल द चिल्ड्रन. ओके रियली very serious problems like convulsions, milestone issues. So we see a lot of change in them. And a lot of these children are now off the allopathic medication and they are just on homeopathy. And we see that not just their problem, but their overall development as a person. In fact, one of the child is now even ready to switch to mainstream school from this school. So it's, yeah. हर माँ बाप को जितना हो सके जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ही बड़ा प्यार. अगर उतना ही ज़्यादा उनके साथ ऐसा बिहेव करें कि उन्हें स्पेशल फील कराएं और उन्हें खुश रखें. और ख़ुद भी कभी भी ऐसा नेगेटिव नहीं विचार मन में आए क्योंकि जो पेरेंट्स के विचार होते हैं वो भी बच्चों तक पहुंचते हैं, वाइब्रेशंस पहुंचते हैं. तो अपने विचारों को भी हमेशा पॉजिटिव और खुश रखें जिससे बच्चे को भी बहुत ही इफ़ेक्टिवली उसका इम्प्रूवमेंट होगा. तो यही हमने यहाँ पे देखा कि डॉक्टर्स की कितनी पॉजिटिव अप्रोच है. सिर्फ मेडिसिन ही नहीं जिस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं ना इमोशनली ऑल्सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स द बेस्ट मेडिसिन. लव इज़ द बेस्ट मेडिसिन. आई हैव डन वन चिल्ड्रंस फिल्म ही है वो भी ब्लू माउंटेन्स जो अभी कंप्लीट हो गई है. बार्बी बच्चों की फिल्म है. बार्बी बार्बी तो बार्बी डेफिनेटली आप कंप्लीटेड द फिल्म. ओके थैंक यू सो मच. बाय. क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं बच्चों के लिए बनाऊं. अभी मैं शो कर रहा हूं एक सुपर हीरो बच्चों के लिए कर रहा हूं. वैसे अगर आम जिंदगी में देखो तो ये कॉस्ट्यूम बड़ा फनी है मगर बच्चों को इतना अच्छा लगता है कि मैं कहीं खड़ा रहता हूं बच्चे भाग के आते हैं. और मैं भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बीमार रहा हूं, काफ़ी फिजिकल डिसेबल रहा हूं बचपन में. तो मालिक ने खड़ा किया है, ठीक किया है. तो मैं इन सब के साथ काफ़ी रिलेट करता हूं, समझ सकता हूं कि ये किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं क्योंकि मैंने सब देखा ही है.
तो बच्चों के काफ़ी क्लोज हूँ और काफ़ी रिएक्ट वो कर रहा हूँ। एज ए रेसलर मैं भी मालिक की वजह से मैं अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हूँ और अभी फाइट कर रहा हूँ प्रोफेशनली। तो मैं कोशिश करता हूँ कि साल दो साल में एक फाइट उन बच्चों के लेकर हूँ जिनको वाकई ज़रूरत है, जो फिजिकल डिसेबल हैं या मेंटल चैलेंज हैं। और अब मैं जल्दी नेक्स्ट एक फाइट करने जा रहा हूँ जो मोस्टली ऐसे बच्चों के लिए करने जा रहा हूँ। और मैं चैरिटी में इन सब में शामिल होता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि करने वाला मालिक है, बाकी मालिक जरिया बनाए। जब उसने हमें यहाँ तक थोड़ा सा पहुँचाया छोटी मोटी जगह, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि इन्हीं सब के काम आ जाए, ये इंसानियत है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा कि मैं जो कुछ आज हूँ मैं मेरी माँ के कारण हूँ, मेरी माँ और मेरी बहन के कारण। तो वो तो मतलब उनके दिल पे गुजरती है कि उनके लिए हर दिन एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिसका बच्चा बीमार हो, फिजिकल डिसेबल हो या मेंटली चैलेंज हो। तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने मेरी माँ को देखा है, वो रात में सोती थी, जब भी मैं खुल हो या तो वो मतलब रो रही होती थी या मेरे लिए चिंता कर रही होती थी। तो मतलब समझ सकता हूँ काफ़ी मुश्किल भरा टाइम उनके लिए, एक मिनट गुजारना है कि वो गुजारना। बाकी मैडम मैं आप बताओ, आप तो यहाँ पे हो, बच्चों को देखते हो। क्या आप यहाँ पे बच्चों को इनकी सुपरवाइजर करते हो, तो मतलब आपको क्या लगता है, क्या फील होता है? शादी अभी एंगेजमेंट किया है यार, अभी शादी करेंगे, जल्दी करेंगे, शादी अगले साल में करने सोच रहा हूँ। और अभी एक मैंने मेरी फिल्म आ रही है मालिक की दया से, नेक्स्ट ईयर रिलीज है फरवरी या मार्च में शायद, युवा, और जिसमें मैं स्पोर्ट्स कोच बन के आ रहा हूँ अजय संग्राम सिंह अपने नाम से। और मेरे साथ काफ़ी मेरा सब आगे के इतने बड़े एक्टर हैं, जिमी शेरगिल जी हैं, ओम पुरी जी हैं, संजय मिश्रा जी हैं, रजत कपूर जी हैं, अर्चना पूर्ण सिंह जी हैं, प्रीति सानी जी हैं, सभी एक्टर हैं। मैं एक नॉन एक्टर हूँ, जो मतलब एक्टर नहीं हूँ, बाकी सारे एक्टर हैं। तो मतलब अच्छा है। एक्चुअली बिग बॉस से पहले मैंने काफ़ी रियलिटी शो किए हैं, सवाव इंडिया किया है, 100% दे दनादन किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। मगर मैं मानता हूँ कि जो मालिक रास्ते बना रहा हूँ चलता जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मतलब क्या है क्या नहीं, मगर मैं ये सोचता हूँ कि मालिक की दया से हम रियल लाइफ हैं, सारे रियल लाइफ हैं, तो रियल लाइफ है उनको भी आगे आना चाहिए यार। और आजकल सारे पहलवान हैं, एक्टिंग कम ही करते हैं सारे पहलवान तो आ रहे हैं, बॉडी बना और सब आ रहे हैं। टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का जब मैंने शो किया सवाव इंडिया, किसी ने मुझे अप्रोच किया था मेरी बायोग्राफी के लिए। काफ़ी बड़े बंदे थे जो दैनिक जागरण उनके मतलब उनके ओनर थे कुछ, उनके भाई थे, तो वो मैं मुंबई आया था, मुझे पता नहीं था कि ये फिल्में क्या हैं क्या कुछ है। तो उन्होंने अप्रोच किया कि हम ऐसे ऐसी फिल्म बनाना चाह रहे हैं, मुझे पता भी नहीं था कि बायोग्राफी क्या होती है, फिल्में क्या होती हैं। तो मालिक की दया से किसी कारण से कुछ रुक गए बात, उसके बाद फिर मुझे एक बड़ा शो ऑफर हुआ, सवाल ऑफर हुआ, उसके बाद वेलकम, फिर बिग बॉस ऑफर हुआ, तो चलता रहा ये सिलसिला था। मैं सोचता हूँ कि मालिक की दया जो मैरी कॉम की मैंने फिल्म देखी, वो वाकई कितनी खूबसूरत बनी है, मिल्खा सिंह जी की देखी, मैरी कॉम जी की देखी, तो कोशिश करूँगा अभी मैं बहुत छोटा हूँ, कुछ जिंदगी में थोड़ा मोटा कुछ हासिल कर लूँ, अभी सोचता हूँ जीरो पे खड़ा हूँ। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि जो फेस मैंने देखा है, क्योंकि एक आम बच्चा स्पोर्ट्स कर सकता है, एक फिजिकल डिसेबल बच्चा खड़ा होता है फिर स्पोर्ट्स करता है, फिर तुक्का लगता है, वर्ल्ड का बेस्ट रेसलर बनता है, तो मैं चाहूँगा कि ये जो अच्छी चीज़ें हैं, जो एक मोटिवेशन है, वो आगे आना चाहिए। देखते हैं मालिक जब चाहेगा तब आएगा। थैंक यू सो मच यार। और सही बताऊं कि आप सब एक आईना हो, जो समाज को आईना दिखा रहे हो, कि आप सबके थ्रू हमें पता चलता है कि क्या चल रहा है, क्या फैक्ट है, क्या फैक्ट नहीं है। तो थैंक यू सो मच यार। और मेरे लिए ब्रेक रहो यार, मेरी फिल्म आ रही है, कि तुक्का लगे थोड़ा चले। थैंक यू सो मच। Are
आई डिड नो दीज आर स्पेशल चिल्ड्रन. जब मैं यहाँ आई थी आई सॉ देयर परफॉर्मेंस एंड स्पेशल चिल्ड्रन आर कॉल्ड स्पेशल चिल्ड्रन क्योंकि दे आर ट्रूली स्पेशल. दे आर गॉड्स चोजन चिल्ड्रन और इनको देख के बहुत खुशी मिलती है बिकॉज दे आर सो उनके दिल में कुछ नहीं है. दे हैव नथिंग बट लव एंड पॉजिटिव एनर्जी एंड दे आर नॉट मैनिपुलेटिव. दे आर नॉट देर पीस लिटिल पीसेज ऑफ गॉड. तो इनको देख के आई थिंक माई डे इज मेड एंड इट्स जस्ट दे जस्ट सो नाइस. उनके दिल में कुछ भी नहीं है. दे डोंट हैव एनी मैनिपुलेटिव इल फीलिंग्स झूठ बोलना कुछ इनको कुछ आता नहीं है. ये भगवान के बच्चे हैं. So I'm truly happy that I spent Children's Day with special children. Special bachche ko to kuch pata nahi hai. They don't understand anything. So it is really very very traumatic for parents. मैं जानती नहीं हूँ उनके पास इतना स्ट्रेंथ कहाँ से है टू बी एबल टू मैनेज देम बिकॉज इट्स रियली हम तो 10 मिनट उनके साथ खेल के हम चले जाते हैं. टू लिव विद देम इन टू ओल्ड एज और ये तो बच्चे हैं. जब स्पेशल चिल्ड्रन बुजुर्ग हो जाते हैं इट्स रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो आई ऑलवेज व्हेन आई सी स्पेशल चिल्ड्रन आई थिंक मोर ऑफ द पेरेंट्स दैन ऑफ द चाइल्ड बिकॉज इट्स वेरी ट्रॉमेटिक. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मैं जब यहाँ आई हूँ आई बिन फीलिंग सो इमोशनल इनको देख के एंड देर आर नो वर्ड्स. जैसे मेहर भी कह रहे थे कि हम तो आके निकल जाएंगे बट यू नो फॉर देम इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बट दे आर वेरी वेरी स्वीट चिल्ड्रन एंड आई वांट टू सिंग टू लाइंस फॉर देम. सबसे पहले आपको हैप्पी चिल्ड्रंस डे. और मैं इनके लिए गाना चाहूँगी. किन्ना सोना तेन रब ने बनाया. किन्ना सोना तेन रब ने बनाया. दिल करे वेखदारवा दिल मुड़दा नी लख समझाया. ओ दिल मुड़दा नी लख समझाया. दिल करे वेखदारवा रब ने बनाया. दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. जी मैंने इनफैक्ट एक एल्बम बनाई है क्रिसमस कैरल्स की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है आश्रय आकृति हैदराबाद में है फॉर डेफ एंड डम चिल्ड्रन. तो वो स्पेशली मैंने उनके लिए बनाई थी. जो एल्बम की प्रोसीड्स हैं वो उनको जाती हैं. I just have a question, sir. I've never been involved with special children before. बच्चों के साथ अनाथ बच्चों के साथ I've adopted a few of them in an ashram in Thane. But this is my first time that I've been with special children and truly it's touched a chord in my heart. और मैं चाहूँगी कि मैं कुछ कर सकती हूँ इनके लिए आगे जाकर. हेलो बोलो. हेलो 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 हेलो. किस तरह का मैंने अंदर भी कहा कि ये बहुत ही स्पेशल चिल्ड्रन है. हेलो मेंटली स्पेशल है क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड है. इन्हें बस एक्स्ट्रा केयर की और एक्स्ट्रा प्यार की ज़रूरत होती है और दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उन्हें एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा प्यार मिले. मैं भी चाहता हूँ कि अगर कोई मेरी केयर करता है कोई मुझे प्यार करता है तो हम इंसान प्यार के लिए भूखे होते हैं. तो वैसे ये लोग भी केयर के लिए और प्यार के भूखे होते हैं. तो ये इनफैक्ट लकी है कि इन्हें हम जैसे नॉर्मल इंसान से ज़्यादा ये भी नॉर्मल है लेकिन स्पेशल है ये लोग. तो इनको ज़्यादा केयर और ज़्यादा प्यार चाहिए होता है तो इसलिए ये
इन स्पेशल किड्स के बीच में आके बहुत अच्छा लगा। गिफ्ट्स मिले हैं इनके रूप में और बहुत ही स्पेशल बच्चे हैं, सो आई थिंक पेरेंट्स खुशी होते होंगे इनके साथ। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं इनके लिए गाना गाता हूँ। ऐसी उलझी नजर उनसे हटी नहीं, दांत से रेशमी डोर कटी नहीं, उम्र कब के बरस के सफेद हो गई, काली बदरी जवानी की छटी नहीं, वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंग उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी। मैं आपने जो पूछा था कि इनके पेरेंट्स को कैसा फील होता होगा, उस बारे में कुछ कहना चाहूँगा। देखिए प्रैक्टिकली अगर बताऊँ तो बहुत ही मुश्किल काम होता है ऐसे, क्योंकि ये जो स्पेशल किड्स को इन लोगों की अपब्रिंगिंग करना और सोसाइटी में वही दर्जा देना बहुत ही मुश्किल का काम है, आसान नहीं होता। इसलिए मैं सल्यूट करना चाहूँगा इस एकेडमी को और इनके पेरेंट्स को कि इनको ऐसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और एनकरेज कर रहे हैं कि जाइए डांस कीजिए, गाइए, इंस्ट्रूमेंट्स बजाइए। तो इससे प्रूव होता है कि ये लोग भी बाकी लोगों से कम नहीं है। बहुत ही मुश्किल है इनके पेरेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी एनकरेजमेंट देता है। इसलिए मैं सल्यूट करना चाहूँगा इनके पेरेंट्स को और इनकी एकेडमी को। नहीं, ये मैं पहली बार शामिल हुआ हूँ इस इवेंट में, तो मौका मिला तो मैं बार बार आऊँगा, जितनी जब भी मुझे इनवाइट करेंगे, और मैं जितना कर सकता हूँ इनके लिए मैं करूँगा, लेकिन कभी बताऊँगा नहीं कि मैंने ये किया और वो किया। एंड आई थिंक दे आर द मोस्ट टैलेंटेड किड्स, दे आर द मोस्ट टैलेंटेड किड्स, गॉड ब्लेस देम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Two. वैसे it equals one. आज के दिन it equals two. ये अभी भी जल्दी है, बहुत जल्दी है, पिक्चर आज लगी है, लोगों को देख लीजिए, समझ में आएगा कि ये 6-5 equals 2 का मतलब क्या है। वो हमारा क्लाइमैक्स रिवील करता है सर, वो तो आपको क्लाइमैक्स ही बताएगा। जी जी सर, ये अमेजिंग बच्चे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, ड्रम बजाए, डांस किया, और ये अमेजिंग किड्स हैं, जैसा मैंने नाम लेना चाहता हूँ। ये संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों की सेवा कर रही है, विच इज़ अ ग्रेट कॉज, ग्रेट नोबल कॉज, और मैं चाहूँगा और भी लोग जुड़ें इस संस्था से, बच्चों की मदद करें, और ऐसे अमेजिंग बच्चे हैं, इनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, खेलने कूदने का और सोसाइटी में आगे बढ़ने का मौका मिले। करेक्ट, बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं समझता हूँ पहली बात तो ये कि वो माँ बाप ही जानते होंगे कि इन बच्चों की परवरिश वो कैसे करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर भगवान ने बच्चों को किसी स्पेशल तरीके से बनाया है तो उन माँ बाप को भी उसी तरीके से बनाया होगा जो इन बच्चों की परवरिश उस तरह से कर सके कि इन्हें ढेर सारा प्यार दे सके, इन्हें समाज में स्कूलिंग, एजुकेशन, अपब्रिंगिंग उनकी उस हिसाब से हो सके। लाइफ मैं समझता हूँ बड़ी मुश्किल होती होगी उनकी, लेकिन गॉड किसको क्या गिफ्ट देते हैं और कैसे देते हैं उनकी कल्पना वही जानते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते। लेकिन आज हम चिल्ड्रंस डे पे यहाँ पे आए, चिल्ड्रंस डे पे पहली बार मैं किसी भी एक संस्था में या किसी भी एक ऐसे वातावरण में शरीक हुआ हूँ, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज बच्चों की चिल्ड्रंस डे पे हम साथ में हैं और हमारी फिल्म भी रिलीज़ हो रही है। यस, गवर्नमेंट से यही एक्सपेक्टेशन होगी कि जितने भी कॉज आज तक हिंदुस्तान में दबे हुए चले हैं क्योंकि उनकी अहमियत कम लगती है, उनको जरा उठा के देखें कि देश में क्या परिवर्तन आता है अगर उन चीज़ों को आगे लाएं जिन पे किसी का ध्यान नहीं जाता।
जैसे कि हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, इस समय स्वच्छता के ऊपर है। ऐसे ही जब ये प्रोग्राम अपने चरम सीमा पर पहुंच जाए, उसके बाद हम ऐसा कोई प्रोग्राम बनाएं जो अमेजिंग किड्स के लिए हो, और ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाएं जो इन लोगों के लिए रोज़गार, इन लोगों के फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए हो, इन लोगों के अकोमोडेशन के लिए हो, तो गवर्नमेंट उस पर आएगी एक एक प्लान करके। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ज़रूर इस बारे में सोच रही है। थैंक यू सो मच। ये कैमरा मत कर रे। अच्छा हाँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल था। हम लोग फर्स्ट टाइम हमारी मूवी को प्रमोट करने यहाँ आए स्पेशल चिल्ड्रन के बीच में, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, मतलब हमें तो लगा, मतलब हमसे ज़्यादा, हम कहेंगे कि ये लोग बहुत टैलेंटेड, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है ये बच्चे। वेल, मुझे भी आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, कि लाइक आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे बुरा गया था कि हैप्पी चिल्ड्रंस डे के दिन आप आपको इवेंट पे आना है, और लाइक एज अ स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। तो आई वॉज सो हैप्पी दैट कि यहाँ पे आकर, और मैंने कुछ इनके सामने मुझे मज़े भी किए, एंजॉय भी किया, आके ऐसा लगा कि लाइक या दिल तो बच्चा है जी, तो लाइक सो हैप्पी आई थिंक, राइट गौरव? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड आई थिंक सब लोगों ने कहा होगा कि वी वर किड वंस, तो जो हमारा पास था, हमारा बचपन था, वो रिलीव किया हम लोगों ने। एंड देखा कि रियलाइज़ हुआ कि इतनी छोटी सी एज में इन लोगों के अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है। बिकॉज मैं जब छोटा था तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लोगों के सामने जाके परफॉर्म करूँ, कोई गेस्ट आता तो उनके सामने जबान नहीं खुलती थी। बट दिस किड्स, दीज किड्स आर लाइक सुपर, दे परफॉर्मिंग, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सो इट्स वेरी वेरी हैप्पी टू सी देम। पेन से ज़्यादा आई वुड से कि माँ बाप को सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि दे आर वेरी जो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बाकी लोगों के, बाकी माँ बाप से बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज जो बच्चों की जो रोज़बरिंदी जो चीज़ें होती हैं जो हम आसानी से कर लेते हैं, आप आसानी से कर लेते हैं, जिसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड देते हैं, उनके लिए इनको माँ बाप की हेल्प चाहिए होती है, एंड माँ बाप उनकी हेल्प करते हैं, एंड दे ब्रिंग द किड्स अप इन दैट वे, दे फेस द सोसाइटी इन दैट वे, और कभी कभी हार्श कमेंट्स का भी सामना करना पड़ता है। सो तकलीफ तो होती होगी, बट उसके साथ आई थिंक ऊपर वाले ने उनको हिम्मत भी इतनी दी है, सो दे मेड द पेरेंट्स वेरी स्पेशल एज़ वेल। फिल्म के बारे में, वेल फिल्म के बारे में ये बताना चाहूँगा कि 6 Months 5 Days जो कि आज रिलीज हो रही है हमारी फिल्म, इट्स समथिंग वेरी रियलिटी यू विल सी द फिल्म। एक नया नेचुरल आपको तरीके से मिलेगा, जाके एक 6 दोस्त एक ट्रैक पे जा रहे हैं, उनके साथ में क्या क्या इंसिडेंट होती है, क्या क्या घटना होती है, तो लाइक आपको इस फिल्म के दौरान आपको एंजॉय भी ज़रूर होगा। जहाँ तक कि फिल्म की बात है, ना इसमें कुछ एंटरटेनमेंट है, ना ही कुछ लाइक डांस है, ना ही कुछ सॉन्ग है, इट्स टोटली समथिंग इज वेरी लाइक वेरी नेचुरल। एंड गौरव इज अ पार्ट ऑफ द फिल्म, बहुत है हॉरर, बहुत है, और आपको बहुत मजा आने वाला आएगा ये मूवी देखते टाइम। और आप, इट्स मोर अबाउट फ्रेंडशिप, तो आपको अपने दोस्ती के दिन और दोस्तों के साथ जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे हम लोगों को आया शूटिंग के दौरान, तो हम लोगों ने बहुत मस्ती करी है। तो फिल्म में भी दोस्ती है, हॉरर है, एंटरटेनमेंट काफी है, एंड रियलिटी काफ़ी है पिक्चर के अंदर। जो भी आपके साथ जो भी आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि आप उससे जुड़े हुए हो। कैरेक्टर्स इतने डिफरेंटली हैं, 6 जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उस इतने डिफरेंट है कि आप 6 में से एटलीस्ट एक के साथ तो कनेक्ट कर ही पाओगे, एंड यू फील लाइक यू पार्ट ऑफ द फिल्म। जी मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि कैन आई हैव अ सेंसुअल सीन विद गौरव कोठारी, बट दे सेड नो। नहीं, एक्चुअली इसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज़ गौरव कोठारी इज अ गाय, दैट्स अ डिफरेंट रीजन, बट सेंसुअलिटी इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर जैसे पहले बताया कि ट्रू फ्रेंडशिप है, एसेंस ऑफ लव है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप सेंसुअल बना सको, सेंसुअल कह सको। इट्स थरो एंटरटेनिंग फिल्म, हॉरर है, मस्ती मजाक है, देयर इज नो सेंसुअलिटी। हम जैसे हमने कहा हमारी मूवी काफ़ी रियल है,
तो ये रियल डॉक्यूमेंट्री पे आधारित है, रियल हादसे पे हुई है ये स्टोरी बनी है, किसी के साथ रियल हादसा हुआ है, किसी के साथ जो घटना घटी है उसकी उसके जीवन पे आधारित ये फिल्म है। तो अगर हम गाने डालेंगे, अगर हम इसको कमर्शियलाइज करेंगे इतना, सीन्स डालेंगे जो चीज हुई ही नहीं है वो दिखाएंगे, तो इट्स काइंड ऑफ अ चीटिंग, और वो फिल्म के प्लॉट के साथ जाएगा भी नहीं। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, जय माता दी, थैंक यू, थैंक यू।